हेलो दोस्तों, ममता स्टिचिंग ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज मैं ये क्रोशिया से बना हुआ आपको एक डोरमेट बोलिए या पूजा आसन की तरह से बोल लीजिए या आप सेंटर टेबल पे कहीं भी रखिए, वो पैटर्न लेके आई हूँ। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगा और अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको ऐसे ही अलग अलग डिजाइन बताती रहूंगी। तो फिर चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। बहुत ही जल्दी बन जाता है और ये मैंने बनाया है वर्धमान के ऊन में। आप इसको किसी भी ऊन में या आप चाहे तो मोटे ऊन से, पतले ऊन से, जिसमें भी आपको बनाना चाहे, आप धागे से भी इसको बना सकती हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। ये देखिए, ये मैंने रेड, डार्क रेड कलर का ये वर्धमान का 2-ply का ऊन लिया हुआ है। आप कोई भी मोटा ऊन यूज कर सकती हैं। अगर आपको छोटा बनाना है या पतला बनाना है तो आप बेबी वूल से भी इसको बना सकती हैं, या अगर कोई पुराना बना हुआ स्वेटर जो आप खोलना चाहती हैं उससे भी आप बना सकती हैं। तो ये देखिए, ये बहुत थिक नहीं है और ये सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट है, क्योंकि ये स्वेटर के लिए मैं यूज करती हूँ तो मैं इसी से बना रही हूँ। और इसको मैं, ये देखिए, ये 9G करके पोनी का 3.50 mm की क्रोशिया है। इस क्रोशिया हुक से मैं इसको बनाऊंगी। तो अब देखिए, सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। तो ये स्लिप नॉट आप थोड़ा बड़ा या छोटा जैसे भी आप यहां से किनारे से ले सकती हैं। इस तरह से देखिए, ये एक स्लिप नॉट हम बना लेंगे। अब 10 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 चेन बना के यहां फर्स्ट वाले में हम इसको इस तरह से इसको यहां से ऐसे भी निकाल लेंगे। ये देखिए, ये थोड़ा फर वाला ऊन है, थोड़ा इसमें रेशा होता है तो इस क्रोशिया हुक में थोड़ा ये फंसेगा, लेकिन फिर ये अच्छे से आ जाएगा। ये देखिए, अब 1, 2, 3 चेन मैंने लिया। अब यहां पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए, 1, 2, 3, 4 मैंने बनाया और एक ये जो है ये भी एक हमारा डबल क्रोशिया का ही काम करता है चेन, इसलिए ये टोटल 5 हो गए। अब फिर से हम 5 चेन लेंगे, 3, 4, 5। अब हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी में। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5। फिर से 1, 2, 3, 4, 5 चेन लेना है और इसके बाद फिर से हम 5 डबल क्रोशिया यहीं पे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। एक बार फिर से 1, 2, 3, 4। पांच चेन लेने के बाद फिर से हम ये 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारे 4, इसमें 5-5 के सेट बन गए हैं। अब यहां पे फिर से 5 चेन लेंगे, 2, 3, 4, 5। और ये जो हमने 3 चेन लिया था, तो ये जो तीसरा चेन है इसमें हम इसको इस तरह से फिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारी फर्स्ट रो इस तरह से, 10 चेन लेने के बाद ये फर्स्ट रो हमारी इस तरह से बन गई। अब 1, 2, 3 चेन हमने लिया, इसी जगह पे फिर से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, 1
फिर दूसरा तीन और ये चार, ये चेन वाला लेके ये फिर से पांच हो गया। अब ये जो हमने चेन बनाया था इसमें भी एक दो तीन चार पांच। अब देखिए फिर से हम पांच चेन लेंगे, एक दो तीन चार पांच। अब इसी जो पहला चेन था इसमें जो पांच चेन हमने लिया था उसी में एक दो तीन चार पांच, ये देखिए ये सेंटर में इस तरह से हमने बना लिया। अब ये जो बीच का पांच है इसमें भी हम पांच बना लेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच। अब इसमें भी एक दो तीन चार पांच, ये देखिए इस तरह से ये यहां से हमने सेंटर से शुरू किया ये। अब यहां टोटल बीच में 15 हमारे ये डबल क्रोशिया हो चुके हैं। अब यहां पे फिर से हम पांच चेन लेंगे, दो तीन चार पांच, और यहां पे फिर से हम पांच बनाएंगे, फिर इस पे पांच, फिर इस पे पांच, इसी तरह करते हुए लास्ट हम यहां तक आ जाएंगे। तो ये देखिए, ये देखिए, अब यहां लास्ट वाले में ये एक बार ये पांच डबल क्रोशिया मैंने बना लिया है। अब एक दो तीन चार पांच चेन, और अब यहां पे भी सेंटर जो है हमारा ये देखिए पांच डबल क्रोशिया हम फिर से बना लेंगे, दो तीन चार पांच, और ये जो चेन था पिछली बार उसका जो ये तीसरा चेन है ऐसे इसमें हम इसको इस तरह से फंसा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से फिर ये हमारा एक स्क्वायर पीस बन गया ऐसे, ये देखिए ये ऐसे। अब तीसरी लाइन ये हमारी सेकेंड लाइन कंप्लीट हो गई, तो फिर से एक दो तीन चेन लेंगे इसी जगह पे, देखिए चार बनाएंगे, एक हमारा चेन का और ये चार, दो तीन ये चार और ये चेन, ये पांच कंप्लीट हो गया। अब देखिए एक दो तीन इस तरह से, ये देखिए तीन हमने चेन लिया, और अब इसको हम सीधे यहां पे, ये देखिए यहां पे ऐसे, ये जो सेंटर का हमने पांच चेन लिया हुआ था उसमें हम ये पांच डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे, ये देखिए पांच। अब पांच चेन, एक दो तीन चार पांच, फिर से इसी में एक दो तीन चार पांच, ये देखिए ये सेंटर में बना, ये सेंटर में बना। अब फिर से एक दो तीन चेन लेंगे, और ये देखिए यहां पे ये जो है एक दो तीन चार पांच ये छोड़ के, अब यहां पे बीच में हम पांच इसको, एक दो तीन चार पांच, ये देखिए इसी तरह से
लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये पांच पांच बीच में ये तीन चेन और यहाँ पे ये बीच में सेंटर। यहाँ से फिर देखिए सीधे हम एक दो तीन चेन ले रहे हैं और ये एकदम सेंटर में पांच डबल क्रोशिया, फिर पांच चेन और फिर पांच डबल क्रोशिया, दो तीन चार पांच। अब ये देखिए यहां से इस तरह से एक और स्क्वायर लाइन पूरा कर लेंगे, तीसरी लाइन एक दो, ये तीसरी लाइन इस तरह से। ये देखिए ये लाइन यहां पे आके इस तरह से यहां पे कंप्लीट होगी। तो अब इसको ये देखिए इसको हम एक दो तीन तीन चेन लेके यहां पे ये जो तीसरा चेन है इसमें हम इस तरह से फिक्स कर देंगे। ये देखिए तीसरी लाइन इस तरह से हमारी कंप्लीट हो गई ऐसे, ये देखिए इस तरह से तीसरी लाइन। अब चौथी लाइन एक दो तीन इसी जगह से फिर से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा चेन लेते हुए ये दूसरा हो गया, तीन चार और ये पांच, ये जो सेंटर का था ये देखिए ये पांच के ऊपर पांच। फिर से एक दो तीन चेन लेंगे और अब देखिए ये जो पांच था इस पे भी हम ये पांच बना लेंगे, ये जो यहां स्टार्टिंग है यहां से बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, ये जो हमने बनाया था। अब ये देखिए बिना कोई चेन लिए यहां पे फिर से हम पांच बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच। ये देखिए ये सेंटर वाला, ये पांच, ये बीच में पांच बना लिया हमने। अब पांच चेन फिर से एक दो तीन चार पांच। अब इसमें एक बार फिर से हम पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, और अब ये जो पांच है इस पर भी बना लेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच। ये देखिए अब ये आ गया हमारा ये सेंटर वाला, तो इसके लिए हम सिर्फ तीन चेन लेंगे, एक दो तीन, और अब इसके ऊपर भी हम पांच बना लेंगे डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार पांच, फिर एक दो तीन चेन, और ये जो हमारा ये जो सेंटर का था ये पहले इसमें पांच फिर इसमें पांच। इसी तरह से ये लाइन भी हम कंप्लीट कर लेंगे, एक दो तीन चार ये हो गया पांच। अब पांच इसमें, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, और एक बार फिर से इसमें हम पांच डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरीके से देखिए बीच वाले पे सिर्फ उसके ऊपर ही, और ये हमारा फिर से ये पांच ऐसे बन जाएगा। तो यही सर्कल यहां तक हम कंप्लीट कर लेंगे, ये राउंड जो है ये देखिए ये राउंड भी
लास्ट का ये पांच जो हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं, तीन चार पांच, ये देखिए कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे भी एक दो तीन चेन लेके इसको यहाँ पे ये इस तरह से ये देखिए ये बन रहा है। अब हमारा एक दो तीन चार लाइनिंग, ये जो राउंड है ये कंप्लीट हो गया है इस तरह से। अब जो पांचवा राउंड है यहाँ पे फिर से देखिए एक दो तीन और सेम पांच फिर से हम बना लेंगे। तो ये देखिए हो गया दो तीन चार और ये पांच सेंटर का, फिर से एक दो तीन चेन लिया। अब यहां पे भी ये एक दो तीन चार और ये पांच, पांच हमने बना लिया। अब एक दो तीन चेन लेने के बाद अब देखिए ये बिल्कुल सेंटर में यहाँ आ जाएंगे हम, और यहाँ इसमें हम इकट्ठा पांच डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच चेन के बाद फिर से यहीं पे देखिए एक दो तीन चार पांच, फिर एक दो तीन चेन लेंगे। ये देखिए अब यहां से एक दो तीन चार पांच छोड़ने के बाद ये पांच, एक दो तीन चार, ये हो गया पांच, फिर से एक दो तीन चेन और ये सेंटर वाला, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चेन। फिर यहां पे देखिए किनारे पे यहां एक दो तीन चार पांच, फिर एक दो तीन और ये एक दो तीन चार पांच। अब फिर से पांच चेन लेंगे और इसी तरह से देखिए ये जैसे ये हमने बनाया है ऐसे इसी तरीके से ये इस तरह से। अब देखिए ये तीन ये पांच हो गया, फिर तीन चेन के बाद ये पांच हो गया, फिर तीन चेन के बाद ये पांच हो गया, सेंटर में दो बार, बीच में पांच चेन हमने लिया और इसी तरीके से ये वाला भी राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से यहां आ गया। अब यहां हम तीन चेन लेके इसको फिर से जोड़ देंगे, एक दो तीन चेन लिया और ये जो तीसरा वाला है इसी में इसको हम जोड़ देंगे। फिर यही चीज रिपीट करेंगे, एक दो तीन, ये पांच के ऊपर पांच हमारा फिर से बनेगा सेंटर वाला, तीन ये चार, ये चेन वाला लेके पांच। अब देखिए इस ये इसके पहले वाले राउंड में इस राउंड में हमने जो किया था और यही चीज अब हम इस राउंड में करेंगे। अब हमारा ये देखिए एक दो तीन चार पांच और ये छठवां लाइन है, तो ये चौथी लाइन में हमने जिस तरीके से किया था अब देखिए यहाँ पे ये है हमारा, तो एक दो तीन
इसके ऊपर फिर से हम पांच बनाएंगे। ये देखिए ये हो गया पांच। फिर से एक दो तीन चेन लेंगे और यहां पे एक दो तीन चार पांच यहां पे और ये पांच इसमें बनाएंगे, जिस तरह से हमने फोर्थ लाइन में किया था। दो तीन चार पांच, फिर एक दो तीन चार पांच चेन सेंटर में। ये हर बार हम पांच चेन लेंगे चारों कोनों पे और यहां पे फिर से हम ये एक दो तीन चार पांच और यहां से फिर ये एक दो तीन चार पांच, ये हो गया पांच। ये देखिए ये सेंटर हमारा जो कॉर्नर है और एक दो तीन चेन लेके अब यहां पे फिर हम आ जाएंगे। ये देखिए अब इसी तरीके से ये देखिए ये कॉर्नर यहां से हमने स्टार्ट किया, ये बीच में ये तीन तीन चेन यहां पे ये देखिए ये बनाने के बाद फिर बीच में इस तरीके से हम बना लेंगे। तो ये राउंड भी इस तरह से हम पूरा पूरा कर लेंगे। बीच में तीन तीन चेन कॉर्नर कॉर्नर जो ये हमारा चारों कोना एक तरह से ये आ रहा है, ये देखिए ये पांच चेन और बाकी सब तीन तीन चेन। ये बीच बीच में जितने भी ये हमारे बन रहे हैं सारे पांच पांच डबल क्रोशिया बन रहे हैं। इसी तरीके से ये राउंड भी हम कंप्लीट कर लेंगे यहां तक। ये देखिए यहाँ पे ये तीन चेन लेके मैंने इसको यहाँ पे जोड़ दिया। तो अब देखिए ये हमारा एक दो तीन चार पांच छह छह लाइनिंग कंप्लीट हो गई है और अब इसको हम बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जोड़ देने के बाद इसको हम ऐसे पलट देंगे इस तरह से और इसको इस तरह से यहाँ पे चेन ऐसे फंसाते हुए देखिए यहाँ ये दो चेन में ऐसे और ये इसका ये जो पहला वाला हमारा डबल क्रोशिया है यहाँ पे हम इस तरह से फंसा लेंगे और इसको पलट लेंगे। फिर से ये हमारा सीधा साइड हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे अब हम लेंगे एक दो तीन चेन जैसे हम लेते आ रहे हैं। अब देखिए एक दो इसमें हम दो बार इसको करेंगे तो एक बार जब हम लपेट के बनाते हैं तो हमारा वो डबल क्रोशिया होता है और ये दो बार हो जाएगा तो इसको आप ट्रिपल बोलिए या जो आपको इजी लगे। तो ये देखिए दो बार हमने इसको ऐसे लपेट लिया। अब देखिए एक दो ये तीन तीसरा जो सेंटर का है यहां पे ऐसे ये इसमें से ऐसे निकालिए ये एक दो ये तीन, ये जो तीन बार हम करते हैं इसको हम ट्रिपल क्रोशिया बोलते हैं। तो देखिए ये एक फिर एक दो तीन चेन लिया फिर इसको दो बार लपेटेंगे और इस तरह से फिर से हम इसको एक दो तीसरी बार ये कंप्लीट हो गया। अब एक दो तीन चेन लेंगे दो बार ऐसे करके ये देखिए एक दो तीन, एक दो तीन चेन जैसे कि हम लेते आ रहे हैं ये दो बार इस पे लपेटने के बाद एक दो तीन, ये देखिए इस तरह से ये चार बन गया एक दो तीन चार। और एक बार इसको हम और करेंगे दो बार लपेट के ये देखिए एक दो तीन, ये देखिए इस तरह से ये पांच हो गया एक दो तीन चार पांच। अब इसको हम यहां ये जो हमारा पहला वाला ये है यहां पे ऐसे ऐसे ये देखिए इस तरह से ये हो गया
ये। अब इसको देखिए, इसको पलट लेंगे, ये तीन चेन लेके। अब देखिए फिर से एक दो, और ये हमारा ये जो पहला वाला ये है, ये देखिए एक दो तीन चार ये है, और एक यहाँ पे ये पांच, एक दो तीन चार ये पांच। अब इसमें इसी तरीके से देखिए, एक दो, दो दो बार लपेट के, तीन चार, एक में ये चार हो गया। फिर से अब दो बार लपेटेंगे ये अगले वाले में, एक दो तीन चार, फिर इसके अगले में एक, इसमें बीच में हम कोई भी चेन नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसको एक तरह से भर देना है। ये देखिए ऐसे, दो तीन चार, देखिए इसी तरीके से ये हम इसमें और इसमें भी कर लेंगे, यानी पांच बार ये चार चार हम कर लेंगे इसी तरीके से, यहां तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये जो हमने बनाया था, इसको बनाने के पहले, ये इसको बनाने के पहले ये जो हमने यहाँ पे ऐसे जोड़ा था इसको यहाँ, ये देखिए ये पांच बनाने के बाद हमने इसको पहले डबल क्रोशिया में यहाँ पे जोड़ा था, तो अब इसको हम इधर किनारे तक लेते आएंगे। सबसे पहले यहां तक ये ऐसे, ये देखिए ये, अब यहां से हम वो बनाएंगे। तो अब देखिए यहां पे ये इस तरह से दो चेन मैंने ले लिया है। अब यहां पे ये दो लेके इसको ढीला ढीला इस तरह से देखिए, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो रहा है हार्ट शेप का, एक तरफ का ये दूसरा जो पार्ट बनेगा ऊपर राउंड वाला ये हम बना रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से एक दो तीन, तीन बार में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह से चार चार करते हुए हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये तीन बार में इस तरह से दो बार लपेटेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले ये लेने के बाद ये एक, फिर इस तरह से उन लेंगे ये दो, और इस तरह से करेंगे ये तीन। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगा। इसी तरह चार चार हम पांचों में कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये पूरा बन गया। और अब इसको हम ये जो इसका लास्ट है यहाँ पे, ये जो पांचवा है यहाँ, हम इसको इस तरह से ऐसे ये कर देंगे। देखिए ये, देखिए यहां से यहां तक ये तीन जो हमारे ये बने हैं बीच के, एक दो तीन, ये यहां से लेके यहां तक हो गया। टोटल ये 20 बने हैं, क्योंकि ये पांच था तो ये टोटल ये चार के हिसाब से 20 बने हैं। और अब एक दो तीन चेन लेके इसको हम पलट देंगे, और फिर से देखिए ये दो बार लेके पहला ये छोड़ देंगे दूसरे में इसी तरह से, सॉरी इसको और अभी हम इधर ले जाएंगे इसको जोड़ने के बाद, क्योंकि ये इतना कवर करना रहता है, क्योंकि दूसरा आएगा तो फिर बड़ा हो जाएगा। तो ये देखिए यहां से इसको हम बीच में आप चेन लीजिए चाहे इसी तरह से ऐसे, एक दो, और ये पहला जो है ये तीसरा, ये ऐसे। अब यहां से इसको हम पलट लेंगे, एक दो तीन चेन लिया हमने, और अब इस तरह से देखिए
ये पहला छोड़ के दूसरे में यहां से अब हम करेंगे। फिर एक दो तीन चेन, फिर दो बार ये लेंगे एक चेन यहां का, ये एक होल छोड़ के ये दूसरे वाले डबल क्रोशिया में, एक दो तीन, एक दो तीन चेन दो बार इस तरह से, फिर एक छोड़ के ये, इसी तरह से ये पूरा हम कर लेंगे। एक दो तीन चेन, अब देखिए एक छोड़ के ये दूसरे में, एक दो तीन ये छोड़ के दूसरे में, एक दो तीन, ये इस तरह से देखिए ये, फिर एक दो तीन, एक दो तीन चेन दो बार लपेट के एक छोड़ के एक, एक दो तीन, फिर ये देखिए एक छोड़ के ये यहां पे। अब ये लास्ट आ गया यहां का, ये पास पास है इसलिए देखिए ये इस तरह से, ये अब लास्ट वाला ये बचा। तो अब इसको देखिए, ये हम जिस तरीके से हमने इसको यहां से स्टार्ट किया है, देखिए इसके फर्स्ट वाले से, तो यहां ये फर्स्ट पे हम इसको इस तरह से ऐसे, तो ये देखिए ये इस तरह से बन गया। अब यहां से ये पहला है दो तीन चार और ये पांच, इस तरह से ये देखिए हो गया। अब इसको हम फिर से पलट लेंगे, ये दो चेन ले लिया मैंने ताकि थोड़ा सा इसको मिल जाए। अब ये देखिए ये दो बार लपेट के, फिर जैसे ये हमने किया था इसी तरह से इसको भी ये चार चार हम एक एक में डबल क्रोशिया सॉरी ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। ये दो बार ऐसे करेंगे, एक दो तीन, ये देखिए एक दो तीन, दो बार ऐसे ले लेंगे तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया ये कहा जाता है। ये देखिए इस तरह से चार हो गया। अब नेक्स्ट में एक दो तीन, दो बार लिया, एक दो तीन, इसी तरह से यहां तक हम लास्ट तक इसको भी कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये सर्कल आ गया यहाँ पे, ये लास्ट मैंने बना लिया। तो अब देखिए उधर से मैंने पांच ले लिया था, तो अब यहाँ स्टार्टिंग से यहां से देखिए, तो एक दो तीन चार पांच ये छोड़ के यहाँ पे इसको हम इस तरह से टक कर देंगे। अब फिर यहां से ये पांच लास्ट तक जो है हमारा, दो तीन चार और ये किनारे वाला पांच। अब एक दो तीन चेन लेके इसको पलट देंगे और फिर से एक दो करने के बाद देखिए, अब यहां पे एक दो छोड़ के हम ये तीसरे में इसको बनाएंगे। पिछली बार हमने एक एक छोड़ा था डबल क्रोशिया का, अब यहां पे हम दो छोड़ेंगे, एक दो छोड़ के ये तीसरे में, फिर से एक दो तीन चेन और ये दो बार लपेटने के बाद एक दो छोड़ के ये तीसरे में, इसी तरह से ये पूरी लाइनिंग कंप्लीट कर लेंगे। दो दो छोड़ते हुए यही ट्रिपल क्रोशिया हम इसमें भी बना लेंगे। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब इसको यहाँ पे एक दो तीन चेन लेके यहां सेंटर में हम इसको इस तरह से करके बंद कर देंगे और अब इसको हम कट कर देंगे।
ये देखिए इस तरह से इसको कट कर देंगे, और ये जो हमारा ऊन का टुकड़ा है इसको हम पीछे की तरफ आप कहीं भी इसको फंसा के बाद में इस तरह से फंसा लीजिए, और इसको एक्स्ट्रा जो भी है इसको हम कट कर देंगे, या आप इसी में फंसा के इसको छिपा भी सकती हैं। इस तरह से इसको हम को यहाँ अंदर की तरफ कर लेंगे। और इसके बाद देखिए ये इस तरीके से एक तरफ का ये आधा शेप हमारा बन गया है, ऐसे देखिए। अब यही सेम चीज जैसे हमने यहाँ पे बनाया था इसको ऐसे घुमा लीजिए, ये देखिए अब इधर भी ये चीज है इतना इसमें। अब यही जो हमारा ऊन है ये देखिए, इसको सबसे पहले एक ऐसे स्लिप नॉट बना लीजिए इस तरह से, ये ऐसे। और इसका ये जो पहला वाला है ये देखिए, ये जो तीन है बीच का, एक दो तीन, तो इसका ये जो है यहाँ पे ऐसे उसको हम इस तरह से, ये देखिए ये इस तरह फंसा लेंगे। और अब एक दो तीन चेन लेके एक दो बार ये, और यहां से इसको आप बाद में अंदर की तरफ बिनते हुए फंसा लीजिएगा। और ये देखिए एक दो तीन बीच का सेंटर का जो है इसको हम इस तरह से, फिर एक दो तीन इसी जगह पे जिस तरह से हमने पहला वाला स्टार्ट किया था इसी तरह से इसको भी हम बना लेंगे, ये तीन चेन। फिर ये इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे ये बनाया था सेम चीज, इतना जितना हमने अभी तक बनाया है इतना हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये लाइन, ये अगर आपको और घना चाहिए आप चार चार इसमें किया हुआ है तो पांच पांच भी कर सकती हैं, और इस वाले में ये चार चार कर सकती हैं, तो ये थोड़ा सा और घना हो जाएगा क्योंकि क्रोशिया का है तो थोड़ा ये गैपिंग दिख रहा है। तो एक तरफ के हार्ट का ये जो सर्कुलर पोर्शन है ये हमारा तैयार हो चुका है। सेम यही चीज हम अब इस साइड पे यहां से यहां तक कर लेंगे, तो इसको ये देखिए इस तरह से यहाँ पे भी ये बन जाएगा। तो बाकी का आगे का फिर हम बनाएंगे इतना करने के बाद। ये देखिए ये वाली भी लाइनिंग यहाँ तक आके, जैसे ये आके यहाँ हाफ पे कंप्लीट हुई वैसे ये यहाँ पे आके इस तरह से देखिए यहाँ पे आके ये भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब यहाँ से इसको एक बार और ऐसे इस तरह से, अब देखिए एक दो तीन, तीन मैंने ले लिया चेन, और अब दो बार इसको जैसे हम हर बार कर रहे हैं, ये देखिए एक दो और एक ये चेन, टोटल ये तीन कंप्लीट हो गया। आप यहाँ पे चार चेन भी ले सकती हैं इसको, क्योंकि ये हमारा थोड़ा बड़ा बन रहा है तो हम इसमें, ये देखिए एक दो तीन चार, क्योंकि ये ट्रिपल क्रोशिया है तो अब यहाँ पे ये अब ये इसके बराबर में आ गया। तो ये देखिए ये हो गया तीन, अब एक दो तीन चार, अब इसी जगह पे एक बार फिर से हम बनाएंगे। एक दो तीन, ये देखिए ये सेंटर में, अब यहां पे बिना कोई चेन लिए ये पहला छोड़ के दूसरे और ये तीसरे, तीसरे में एक दो तीन, ये देखिए अब फिर से एक दो तीन चार, अब यहां पे ये देखिए एक दो तीन चार पांच, ये पांचवा है तो यहां एक छोड़ के ये यहां पे एक बार फिर से, ये देखिए इस तरह से
डबल क्रोशिया इस तरह से हम बनाएंगे। अब यहाँ पे बिना कोई चेन लिए, देखिए यहाँ पे बिना कोई चेन लिए ये पांच को कवर करते हुए ये जो हमारी गैपिंग है यहाँ पे हम बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हर बारी ट्रिपल क्रोशिया ही बनेगा। ये देखिए जहां से हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं, यहां देखिए यहां बीच में हमने चार चेन लिया, यहां पे नहीं लिया। अब यहां पे फिर से चार चेन लेंगे, एक दो तीन चार, इस तरह से इसी जगह पे एक बार फिर से तीन ट्रिपल क्रोशिया हम बनाएंगे। देखिए बीच में, अब फिर यहां पे बिना कोई चेन लिए अब इस वाली गैपिंग में ये देखिए अब यहां पे चेन लेंगे एक बार फिर से इसी जगह पे, ये देखिए तीन। अब फिर बिना कोई चैन लिए ये जो गैपिंग है ये देखिए अब यहां पे एक दो तीन चार, इस हार्ट शेप डिजाइन के लिए आपको ऊन तो आपकी थोड़ी मोटी रहे और कड़ी टाइप की ऊन रहे तो बहुत अच्छा रहेगा बनाने के लिए। अब देखिए ये गैपिंग, ये जो तीन था इसका के बीच की ये वाली गैपिंग, इस तरह से से एक दो तीन चार चेन लेंगे और इसी जगह पे फिर बनाएंगे। अब देखिए ये आ गया हमारा बीच का कॉर्नर, तो अब ये एक दो तीन चार पांच छोड़ के यहां पे इसी जगह पे ये देखिए तीन हो गया, एक दो तीन चार चेन, और अब यहां से ये देखिए एक छोड़ के ये ये देखिए इस तरह से ये हुआ। अब ये जैसे सेंटर में यहां बना है, अब यहां पे बिना कोई चेन लिए एकदम सेंटर में बना लेंगे इसी तरह से। ये देखिए तीन, फिर एक दो तीन चार चेन,
और इसके बाद इसी में एक बार फिर से ये देखिए। अब यहाँ फिर बिना चेन लिए यहां से देखिए, ये एक छोड़ के ये देखिए यहाँ दूसरे में इसी तरह से हम फिर से करेंगे और ये इस साइड का भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये इस साइड जिस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया, ये देखिए ये रो यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हार्ट शेप का ये जो पोर्शन है ये बन जाएगा। देखिए ये देखिए यहां तक पूरा ये जो ये पॉइंट बीच का आ रहा था यहां तक ये मेरा बन चुका है। अब इसके बाद देखिए सेम वही करेंगे। अब यहाँ पे ये एक गैपिंग करके पहला ये दूसरे में इसको हम इसी तरह से बनाते जाएंगे। ये देखिए बीच में चार चेन और इसी जगह पे फिर से ये देखिए इस तरह से फिर से बिना कोई चेन लिए ये एक गैपिंग करके ये दूसरे में एक दो तीन चार चेन और अब यहीं पे फिर से एक गैप करके एक में इसी तरह से हम पूरा बना लेंगे ये सर्कल पूरा यहां से यहां तक। ये बीच में फिर सेम वही रहेगा और फिर ये लास्ट यहां तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। एक में बनेगा एक में नहीं, इसी तरह से ये मेरा सेंटर आएगा, फिर एक में बनेगा एक में नहीं, इस तरह से करते हुए हम लास्ट यहां तक कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरीके से इसको हम बनाते जाएंगे। ये देखिए ऐसे ही, ये देखिए अब हमारा बिल्कुल सेंटर के पास आ गया है। तो यहां पे इसमें भी हम बनाएंगे, ये देखिए और अब इसमें यहाँ सेंटर में भी ये जो हमारा ये है सेंटर का, इसमें भी हम बनाएंगे। इस तरीके से सेंटर में भी हम बनाएंगे और अगर आप चाहें ना बनाना तो इसको यहाँ पे हम सिर्फ ये इसको जोड़ेगा, इसलिए यहाँ पे भी बनाना जरूरी ही है। तो ये देखिए इस तरीके से ये बस एक बार इस तरह से और अब फिर हम बिना कोई चेन लिए यहां पे ऐसे। तो इस तरह से यहां पे ये देखिए ये आ जाएगा ये और फिर ये सारा सर्कल हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे।
ये देखिए, या तो यहाँ सेंटर में जैसे हम बनाते हैं, जैसे अभी तक हम बनाते आ रहे हैं, देखिए ये तीन के बाद, ये तीन के बाद एक दो तीन चार चेन लेंगे और एक दो तीन, और अब यहां पे ये वाला गैप कर दीजिए, इसके बाद वाले में बनाइए, ये गैप करके इसके बाद वाले में, इस तरीके से, इसी तरीके से फिर हम आगे भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए यहां पे ये बना है और यहां पे बनने के बाद ये हमने गैप कर दिया है, इसी तरीके से इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए अब बिल्कुल लास्ट है यहाँ पे, तो यहाँ ये लास्ट वाले में मेरा बना है, तो ये अब फिनिश हो गया यहाँ पे। तो ये इसका जो हमने चार चेन लिया था, तो इसके लास्ट वाले में इस तरह से मैं इसको फंसा दूंगी और अब इसको मैं कट कर दूंगी। ये देखिए ये, और इसको पीछे की तरफ फंसा दूंगी, कहीं पे भी पीछे, ये थोड़ा छोटा हो गया है, आप थोड़ा बड़ा ही कट करिएगा ताकि पीछे आराम से ये ऐसे फंस जाए, इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से मेरा ये हार्ट शेप डिजाइन जो है ये कंप्लीट हो गया। ये लूज है, आप इसको सेंटर टेबल पे कहीं भी रख सकती हैं, या स्टूल पे, या आप इसको कहीं पे भी बीच में चाहे तो डोरमेट की तरह भी यूज कर सकती हैं। तो दोस्तों देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जरूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये डिजाइन पसंद आई तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नए डिजाइन के संग, तब तक के लिए धन्यवाद।